आज 18 अप्रैल 2020 है और शनिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। वैशाख मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि है रात 10:17 तक और उसके बाद द्वादशी तिथि। शतभिषा नक्षत्र है सुबह 4:25 तक और उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं कुंभ राशि। आज वरुथनी एकादशी है और आज श्री वल्लभाचार्य जयंती। मेष राशि वालों के लिए धन लाभ भी बना हुआ है और धन सही दिशा में लग भी रहा है, ये अच्छी बात है। पर मन में फिर भी कई सारी चिंताएं हैं क्योंकि आपके पैसे की जरूरतें बढ़ी हुई, जो भी जरूरतें हैं उसमें बढ़ोतरी होती चली जा रही, इसलिए आपको लग रहा है कि आप शायद वो सब कुछ ना कर पाए जिसकी जरूरत है। इसी वजह से आपका मन भी उचाट होता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए इसमें? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसको बढ़ावा देना होगा और उसमें बड़ी सफलता के रास्ते भी आपके लिए जरूर खुल लेंगे। हर मुश्किल भरे दौर में एक एक छोटा कदम आगे बढ़ाना बहुत जरूरी होता है, तभी जाकर जिंदगी की स्थिरता बन पाती है। वृषभ राशि वाले अपने कामकाज की स्थिति को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं, यही वजह है कि आप अपने पैसे की स्थिति को भी कमी की नजर से ही देखते चले जा रहे हैं। कामकाज में भी पैसा लगाने की या निवेश करने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आपकी चिंताएं कुछ हद तक वाजिब भी हैं। क्या करना चाहिए समूह में? सब कुछ ठीक होने के बावजूद आपके खर्चे बढ़े हुए नजर आ रहे हैं और लोगों से दूरियां बन रही, लोग भी शायद आपको समझने में असमर्थ हैं। इसी वजह से लोगों को खुश रखना भी मुश्किल होता है चला जा रहा है। मिथुन राशि वालों के मन में बहुत कुछ एक साथ चल रहा है, एक और तो आपको लग रहा है कि हालात जैसे आपके खिलाफ, इसी वजह से शायद आपका खुद पर भरोसा भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। जब भी ऐसी स्थिति हो तो तकदीर के भरोसे चलने के बजाय अपने दम पर बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, इसलिए अपने मन में बिठाई हुई घबराहट को तो आपको हटाना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय? जिंदगी की रुकावटों को संभालना है तो इस बात की तह तक जाना होगा कि वो रुकावटें क्यों बनी हुई। अगर आपके साथी सहयोगी जो है उनसे विचार नहीं मिल रहे तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाए। इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। कर्क राशि वालों ने अपनी गलतियों की वजह से अपनी मुश्किलों को बढ़ा रखा, किसी ना किसी गलतफहमी की वजह से भी नुकसान बनता चला जा रहा है जिसे आप संभाल ही नहीं पा रहे। खुद को सही साबित करने के प्रयास में भी आप लोगों की ही गलती निकाल रहे। क्या करना चाहिए समूह? कामकाज की स्थिति को बढ़ावा देना है तो लोगों से मदद लेनी पड़ेगी और लोगों की अच्छी सलाह से ही आप अपनी योग्यताओं को उजागर कर पाएंगे। और सबसे ज्यादा जरूरत यह भी पड़ेगी कि आप अपने मन में बैठी हुई नकारात्मकता को भी हटा दें। सिंह राशि वालों से जल्दबाजी में कई तरह के ऐसे फैसले हो रहे हैं जो आपके नुकसान का कारण बन सकते हैं, जिसकी वजह से आपको लोगों की बढ़ती हुई जरूरतों को भी पूरा करना पड़ सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति से जुड़ी दुविधाओं का ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। क्या करना चाहिए इस समय? आप सही भी हो तो भी खुद को सही साबित करते चले जाने से बचना हो, क्योंकि ऐसा करने से आपसी तालमेल में कमी आ सकती है। जब भी हालात कमजोर पड़ रहे हो तो अपनी विनम्रता बनाए रखने से फायदा जरूर हो। कन्या राशि वालों की पैसे की देनदारी बढ़ सकती है जिसकी वजह से कामकाज पर भी बुरा असर पड़ सकता है। आपके असंतोष का भी ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि काम और कारोबार की कमजोर पड़ती हुई स्थिति को संभालना इस समय बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए समूह? आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी समस्या का हल अपनी काबिलियत से कर सकते हैं, आपका प्रदर्शन भी बना हुआ है, लेकिन नुकसान की परिस्थितियां भी साथ ही साथ चल रही है, इसलिए उस छुपी हुई परेशानी को भी समझने की जरूरत है जो कहीं ना कहीं आपकी मुश्किल का कारण बन सकती है। तुला राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई बनी होने के बावजूद आपका मन बहुत परेशान है, क्योंकि आपको अपने बड़े बुजुर्गों का समर्थन मिलने में कमी हो सकती है और हो सकता है आप यहां तक सोचें कि लोग पीठ पीछे आपकी बुराई ही कर रहे हैं। क्या करना चाहिए सब? रिश्तों को लाभ की नजर से देखने के बजाय सुकून की नजर से देखना होगा। रिश्ते एहसास से जुड़े हुए होते हैं, उस एहसास को जगाने के लिए आपको अपने अंदर बहुत सारी विनम्रता भी लानी होगी, तभी जाकर जिंदगी की खुशियां आपके लिए भरपूर बन पाएंगी। वृश्चिक राशि वाले अपनों के प्रति हर तरह से समर्पित हैं, फिर भी मन में अजीब सी बेचैनी है जो आपकी समझ में नहीं आ रही। कोई पुरानी यादें जरूर हैं जो आपके मन को विचलित किए हुए, समय के साथ अब वो यादें धुंधली भी पड़ती चली जा रही। क्या करना चाहिए समूह? बहुत सारी चीजों को भुलाकर अपने काम में मन लगाना होगा और काम और कारोबार में
प्रतियोगिता की भावना बनाए रखनी होगी ताकि आप कुछ बेहतर कर सकें या भविष्य की बेहतर योजनाएं बना सकें। हालात इसी अच्छाई के चलते आपके पक्ष में बनते चले जाएंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। धनु राशि वाले अपनी कोशिशों को इस रूप से बनाए रखें कि आप लोगों के विचारों को भी समझ पाएं। हर चीज को कमी की नजर से देखने की आदत बन जाती है और लोगों में गलतियां निकालते चले जाना कभी भी ठीक नहीं। क्या करना चाहिए समय? आर्थिक स्थिति भी संभली हुई है और भाग्यशाली परिस्थितियां भी बनी हुई है, जिसके चलते आपके ज्ञान में और वृद्धि होती चली जाए। थोड़ी सी कोशिश करने से आप अपनी क्षमताओं में और निखार ला सकते। मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है, पर पैसे के लेन देन से जुड़े दबाव बढ़ सकते हैं। यही वजह है कि आपका मन उचाट होता चला जा रहा है। अच्छी भली परिस्थितियां भी आपको जैसे अच्छी नहीं लग रही। क्या करना चाहिए समझ? किसी भी तरह के असंतोष को अपने ऊपर हावी होने देने से बचना होगा। जिंदगी की उस अच्छाई को देखें जो हर रूप से आपकी जरूरतों को पूरा करने में मददगार है। ये भी बहुत बड़ा आशीर्वाद। रिश्तों का सुख बनाए रखने की भी कोशिश की जा सकती है। कुंभ राशि वाले ही समझ लें कि कोई प्यार का रिश्ता बिखरेगा तो आपका मन उचाट होता चला जाएगा और आप अपने कदम पीछे हटाते चले जाएंगे। ऐसे ही किसी समय में संभलना होगा ताकि आप खुद को किसी नुकसान के रास्ते पर ना चलाते चले जाएं। क्या करना चाहिए समय में? आप कोई ऐसा रास्ता चुनना चाह रहे हैं जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, पर यह समय ऐसा है जिसमें अपने फैसले ध्यानपूर्वक ही लेने होंगे। भावुकता के तहत किए गए फैसले गलत भी हो जाते हैं और कोई भी गलत फैसला आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर डाल सकता है, जिसे संभाले रखने की जरूरत है। मीन राशि वालों ने अपनी इच्छाओं को इस रूप से बना रखा है कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ तक कि आप अपनों के नजरिए को भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे। अगर कोई भी बहस छिड़ेगी तो परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। क्या करना चाहिए इस समय? पैसे का लेन देन इस रूप से करना होगा जो आपकी आर्थिक स्थिति को संभाले रखे, और उसमें यह भी बात अहम होगी कि आपके जिंदगी के दबाव भी संभले रहें। पैसे के लेन देन से जुड़ा दबाव भी मुश्किलों का कारण बन सकता है, इसलिए अपनी इच्छाओं को थामे रखने की भी जरूरत पड़ेगी।